कोरोना संक्रमण अंकुश में आने के साथ और काफी कम केस दर्ज होने के बीच राज्य सरकार द्वारा आज से राज्य भर में कक्षा 6 से 8 के वर्ग चालू करने की ऑफलाइन परमिशन देते हुए आज वडोदरा शहर में भी ऑफलाइन शैक्षणिक कार्य का प्रारंभ किया गया। तो वहीं 1.5 साल के बाद अपनी शाला में प्रवेश करने के साथ ही छात्रों में खुशहाली देखने को मिली थी। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के तमाम नीति नियमों के बीच आज से राज्य भर में कक्षा 6 से 8 के ऑफलाइन वर्ग चालू करने के लिए परमिशन दी है। जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमण काफी अंकुश में आ चुका है और अब सिर्फ गिने चुने केस ही दर्ज होने के बीच मानव संक्रमण पूरी तरीके से अंकुश में और कंट्रोल में आते हुए राज्य सरकार द्वारा आज से राज्य भर में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को ऑफलाइन शाला प्रारंभ करने के लिए मंजूरी दी गई। तो वहीं मंजूरी मिलने के साथ ही बच्चों के अभिभावकों के पास सम्मति पत्रक और स्कूल के गेट पर ही तमाम नीति नियमों का कड़े रूप से पालन करवाने के बीच परमिशन दी गई है। जहां वडोदरा शहर में भी आज से कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए शाला का प्रारंभ किया गया, जहां स्कूल के गेट पर ही स्कूल के संचालकों द्वारा हैंड सैनिटाइजर टेम्परेचर के साथ स्कूल में प्रवेश दिया गया। एक वर्ग खंड में एक बेंच पर सिर्फ एक ही विद्यार्थियों को बिठाने की व्यवस्था की गई थी। स्कूल संचालकों द्वारा तमाम व्यवस्था और नीति नियमों का पालन करवाने के बीच आज कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए शाला का प्रारंभ और क्लास का भी प्रारंभ किया गया। तो वहीं 1.5 साल के बाद अपने दोस्तों को मिलते हुए छात्रों में काफी खुशहाली देखने को मिली थी, जहां एक बार फिर शाला का संकुल विद्यार्थियों के किलकिलाहट से गूंज उठा था। तो वहीं अभिभावकों में भी कोरोना संक्रमण को लेकर डर और दहशत का माहौल बनते हुए काफी कम तादाद में छात्र नजर आए थे। વાલીઓના જે કન્સેન્ટ લેટર આવ્યા હતા તેના બાળકો ધોરણ 6, 7, 8ના આજે વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે। અમારી સંખ્યાના આધારે 15-20% જ બાળકો આજે શાળામાં આવ્યા છે। તમામ SOP અને COVID-19નું ગાઈડલાઇન્સનું પાલન કરેલું છે। વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે તો એમને થોડો એમને કોરોનાનો ખોફ તો છે જ, પણ તેમના મિત્રોને મળી અને ઓફલાઈન ઘણા વખત પછી આજે ટીચિંગ ચાલુ થયું તેનાથી તેઓ ઘણા જ આનંદમાં રહ્યા હતા। એમનું જોઈને અમને વિશ્વાસ છે કે બીજા વિદ્યાર્થીઓ પણ ધીરે ધીરે શાળામાં આવશે। જ્યારે બધા જ સેક્ટર ધીરે ધીરે ખુલી રહ્યા છે અને કોરોનાના કેસમાં થોડો ફોલ પણ આવ્યો છે, તો અમને આશા છે કે આગામી દિવસોમાં પણ ધોરણ 6, 7, 8ના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો થશે અને વાલીઓને પણ સંમતિ અમને મળશે। મેડમ, જે રીતે શિક્ષણમાં નુકસાન થયું છે આટલા બધા ટાઈમથી કોરોનાને લઈને, સ્કૂલોને કેટલું નુકસાન થયું હશે? જે રીતે વિદ્યાર્થીઓ ઓફલાઈનથી ઓનલાઈન ભણ્યા તેમાંથી તેમનું થોડી કચાશ તો રહ્યું જ છે, કારણ કે પ્રેક્ટિકલ વર્ક તો બિલકુલ એમનું થયું નથી। અને અન્ય વસ્તુ જે લાઈફ લોંગ એમને શીખવાની છે, જેમ કે ગ્રામર છે, બેઝિક મેથેમેટિક્સ છે, રાઇટિંગ વર્ક છે, વર્કશીટ્સ છે, એ બધું તો નુકસાન થયું છે। પણ આશા રાખે છે કે ધીરે ધીરે ઓફલાઈન ક્લાસીસ ચાલુ થશે તો એ કચાશ પણ અમે શાળા દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરીશું।